Zombie Apocalypse. हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आप लोगों का स्वागत है वेस्टलैंड सर्वाइवल की और न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में अपन करेंगे भाई, पिछली वीडियो में हमने स्नोवी पास क्लियर किया था एंड उसके बाद ब्लैक रेवन से मिले थे एंड उसने भाई कैक्टस का जो पोशन था उस वो बनाया था। फिर अपनी बहन के पास गए थे और फिर थॉमसन वगैरह से मिले थे, उसने भाई बोला था कि 3 बाउंटी हंटिंग मिशन करना है। तो वही भाई चल रहा था हमारा बाउंटी हंटिंग मिशन, हमने भाई 2 कंप्लीट कर लिए हैं और केवल लास्ट बाउंटी हंटिंग मिशन बचा है और वो भी मैंने भाई कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे बस केवल सिल्वर टोन में जाके सैरिफ से रिवॉर्ड लेना है, ये फाइंड दी मैप पीसेस वाला है भाई बाउंटी हंटिंग वाला मिशन एंड इसमें मैंने सारे कंप्लीट कर लिया है, बस केवल अब रिवॉर्ड लेना है। जैसे मैं भाई रिवॉर्ड ले लूँगा सैरिफ से वैसे ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने को भाई सीधे जाना पड़ेगा सिल्वर टोन में एंड तो वही चलते हैं अपन डायरेक्ट सिल्वर टोन में, सैरिफ से रिवॉर्ड लेते हैं एंड गाइस चलो भाई अपन चलते हैं डायरेक्ट सिल्वर टोन में। 24 एनर्जी लग रही है, जल्दी से कर देते हैं रन एंड यहाँ पर ये टास्क में कुछ तो मिला है शायद एंड रिवॉर्ड में ये शायद कलेक्ट करना है। हाँ भाई, अपने को यहाँ पर मेपल एंड बसाल्ट मिल चुका है एंड चलो सिल्वर टोन में भी आ गए, एंटर कर देते हैं और सैरिफ से भाई रिवॉर्ड लेते हैं। फिर अपना देखते हैं भाई कौन सा मिशन आगे आता है। भाई यहाँ पे डील ऑफ डिटे आ गई थी भाई, बेकार बेकार से इतने महंगे महंगे लाते रहते हैं डील्स एंड चलो यहाँ पे भाई क्वेश्चन मार्क है। सैरिफ यहाँ पर बैठे हैं, उनसे अपने को रिवॉर्ड लेना है एंड ये सब अपने को मिलने वाला है, एक टोपी एंड ये बैंडेजेस एंड 50 सिल्वर कॉइन, चलो भाई ले लिए। एंड अभी भाई अपना ये वाला टास्क भी हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट बाउंटी हंटिंग एंड अभी आया है भाई सर्च थी कैंप, मतलब सर्च थी कैंप अपने को कैंप को सर्च करना पड़ेगा। देखते हैं भाई मैप पे चल के कैंप अपने को कौन सा सर्च करना पड़ेगा यहाँ पे। चलो भाई बाहर निकल तो चुके हैं, बस अब ये लोडिंग जल्दी से हो जाए एंड यहाँ पर भाई आ गया है एक इवेंट, न्यू गैंग कॉलिंग इटसेल्फ रेल रोडर्स इज हाइडिंग समवेयर इन द एरिया, आई नीड टू फाइंड आउट हु आर दे एंड व्हाई दे कम हियर। एंड मतलब जब मैंने ब्लैक रेवन को बचाया था वहाँ पर भी रेल रोडर्स गैंग के भाई गुंडे थे, उनको भाई मारा था और ये यहाँ पर रेल रोडर्स का कैंप आ चुका है। यहाँ पे चल के अपने को इनका कैंप का भाई इधर उधर करना है एंड चलते हैं यहीं पर डायरेक्ट और इनके कैंप को भाई बिल्कुल भाई तोड़ फोड़ देते हैं एंड उससे पहले भाई हॉर्स को 2 एनर्जी फिट कर देते हैं और ये अपने को मिल गया, बैंडेज मिल गया, काफ़ी अच्छी बात है भाई, बैंडेज वगैरह का काम पड़ने वाला है एंड 251 डैमेज है इसका एंड इसका भी 295 डैमेज है एंड देखते हैं भाई यहाँ पे हमारे ये वेपन काम करते हैं नहीं करते हैं, क्या अपने को कुछ ज़्यादा हाई लेवल के वेपन चाहिए एंड चलो भाई फाइनली अपन आ तो चुके हैं एंड भाई साहब सामने भाई ये चल रहे हैं, भाई चल क्यों रहे हैं इधर उधर एंड 500 हेल्थ है इनकी, भाई साहब कुछ ज़्यादा ही हेल्थ नहीं है। हाँ भाई इससे भाई इनके पीछे जाके धप्पा कर देता हूँ इनको मैं, 1000 का डैमेज भाई साहब, जिसका डैमेज भाई काफ़ी ज़्यादा है, 950 डैमेज है भाई इसका एंड एक अगर मार दो तो बंदा वहीं पे निपट जाता है। भाई इसने देख लिया मेरे को, केवल 29 HP से बचा था एंड चलो ये एक बार में ही निपट गया, काफ़ी अच्छी बात है एंड अपन आके चलते हैं, हाथ में ये वाली गन ले लेते हैं, अगर देख देख गया तो इससे अपन मार देंगे। भाई साहब यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे हैं, भाई रुक जाना थोड़ी देर, कोई भी नहीं रुक रहा है यहाँ पे, चलो अभी इसको मार सकते हैं अपन आराम से एंड कोई हिलना मत, कोई हिलना मत, कोई हिलना मत, कोई हिलना मत, देख लिया भाई उसने, देख लिया भाई फालतू ने देख लिया, यहाँ पे इसको पेल देते हैं
इसमें देखा नहीं होता भाई, तीनों को अपन पीछे से धप्पा करते, केवल एक एक शॉट में निबट जाते सारे सारे। लेकिन भाई उसने देख लिया था, एंड अभी अपने को आगे जाना है एंड अपन फिर से इनको धप्पा कर देते हैं पीछे से। चलो एक गया यहाँ पे, ये इधर दूसरा है शूटर, ये शूटर भी गया। इधर भाई तीन चार ठो हैं, इनको अपन धप्पा करें। भाई साहब मेरे को भागना पड़ेगा शायद से यहाँ से। भाई वो मतलब आ ही नहीं रहा है मारने वाला, शायद से जो बॉस है अभी आ गया। देखो भाई साहब, ये बॉस के चक्कर में नहीं आ रहा था, केवल इस बॉस को सबसे पहले अपन निपटा देते हैं। चलो बॉस गया, शूटर गया, ये भी शूटर गया। भाई साहब ये वाला अपने को वेपन मिल गया भाई, काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया है। अगर ये वाला वेपन नहीं होता अपने पास तो भाई मतलब करने में काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। यहाँ पर अपने को फिश मिल चुकी है भाई, काफ़ी अच्छी बात है, फिश मिल चुकी है। एंड और तो इधर मैंने सब कुछ लूट लिया था, और तो इधर कुछ बचा नहीं है। एंड अपने को भाई शर्ट लेना है, अपने हाउस में मैंने रखा है शर्ट अपना, यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये सारा सामान, और ये वाला सामान इसमें रख देता हूँ। एंड बस अभी के लिए इतना काफ़ी है, मैंने शर्ट पहन लेते हैं एंड चलते हैं अंदर। एंड भाई यहाँ पे गेट बंद है एंड उस साइड एनिमी है, दिख रहे हैं भाई छोटे से। एंड लेकिन भाई अपना ये आ रहा है फाइंड आग की अपने टास्क में, एंड की शायद अपने को इस गुफा में मिलेगी। चलते हैं भाई गुफा के अंदर एंड देखते हैं भाई की अपने को कहाँ पर मिलती है। एंड विस्की से ही शायद हम अपना ये वाला गेट खोल सकेंगे, देख लेते हैं भाई यहाँ पर। एंड भाई साहब क्या ही यहाँ पे भाई गुफा है भाई, मतलब लुक गुफा का ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड आगे एनिमी है, अपने को क्राउच करना पड़ेगा यहाँ पे। भाई तीन तो सामने की सामने ही और हैं, इनको भाई मारने के लिए भाई कुत्ते हैं यहाँ पे ये भाई कुत्ते लोग भाई काफ़ी ज़्यादा डैमेज देंगे पक्का, मेरे को पता है। बेचते हैं इसको, चलो ये गया एंड कुत्ते बचे हैं भाई। कुत्ते एक एक बार में मर जाते भाई, कुत्तों की एचपी कितनी ज़्यादा थी। एंड चलो ये भी निपट के, एंड यहाँ पर भाई एक बक्सा है, बक्से को लूट लेते हैं बन। एंड हेल्थ भाई ये लोग डाउन कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। चलो भाई इसमें से अपने को मशरूम वगैरह मिल गए। एंड इट्स एम लॉक इन साइट, मतलब ये भी लॉक है भाई, कितनी गेट लॉक पे लॉक है, कितनी चाबी जोड़नी पड़ेगी अपने को। एंड यहाँ पर ये शायद अपन उठा सकते हैं इनको, इधर रास्ता बंद है रास्ता खोलने के लिए, इधर डाल सकते हैं। हाँ भाई हो गया, यहाँ पे रास्ता खुल गया है हमें भाई, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर एक और रास्ता जाम है, इसको भी अपन खोल लेते हैं भाई साहब। बीच में फिर से रख दिया इसने भाई साहब, वहाँ पर कहाँ रखा भाई, कोने में रख दिया था। चलो इधर अपन रख देते हैं, यहाँ पे जगह है भाई रखना, फ्री नो स्पेस बोल रहा है। एंड यहाँ से अपने को आगे जाना है, एंड यहाँ पर से जंप करना है शायद, नहीं भाई वो क्या है भाई पत्थर को मतलब लकड़ी का टुकड़ा है उस पर भाई चल के आया है भाई। इतनी नीचे खाई है भाई, इतनी गहरी, अगर गिर जाता तो भाई इसका काम ख़त्म हो जाता वहीं पर। एंड यहाँ पर फिर से भाई जंप करना पड़ेगा शायद, हाँ भाई यहाँ पे भाई कितनी ज़्यादा पीछे चला गया एंड जंप किया। एंड चलो यहाँ पर आ चुका है, एंड यहाँ पर है शायद से की, एंड ये सर्च कर रहा है, एंड हियर तक की भाई इसको की मिल चुकी है, कंटिन्यू सर्चिंग, अभी आ गया टास्क। एंड अपने को क्या सर्च करना है, एंड ये वही वाला है भाई जो गेट यहाँ पर लॉक था अभी दिखा था हमको, वही वाला है। अंदर से इसको हम अनलॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर देते हैं। एंड अभी अपन यहाँ से निकलते हैं भाई, केवल निकलने का ही मार्ग आ रहा है, और तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, और तो कुछ है ही नहीं था। एंड बाहर निकलना है, एंड वो शायद से गेट खुल जाएगा अभी अपने को की जो मिली है उससे। एंड देखते हैं भाई बाहर जाके, चलो अपन बाहर तो आ गए। एंड कहाँ पर है गेट भाई येरा, हाँ भाई अभी इसको अपन खोल सकते हैं फाइनली, अपना भाई ये गेट खुल गया। एंड यहाँ पर भाई बॉस है सामने, इसको अपने को मारना पड़ेगा भाई, इसके पास शॉटगन वगैरह है
भाई अपने को हेल्थ लगाना पड़ेगा हॉट बार में, नहीं तो भाई अपना काम खत्म कर देगा ये। चलो भाई बैंडिट्स मर जा मर जा मर जा। एंड भाई साहब शॉटगन मार रहा है, है काफ़ी ज़्यादा एचपी कम कर दी इसने। भाई मरना भाई मर जा भाई साहब। भाई ना मतलब आर्मर की तो भाई वाट लगा दी इसने, केवल जूते जूते सूते सब तोड़ दिए इसने। एंड यहाँ पर एक बक्सा है, बक्सा लूट लेते हैं एंड देखते हैं। बक्से में तो कुछ खास मिला नहीं है वैसे, वही फालतू की चीज़ें हैं। एंड इस साइड देखते हैं क्या है, कुछ नहीं है इस साइड। एंड यहाँ पर भाई क्वेश्चन मार्क है, देखते हैं इज द वेस्ट स्टार लोगो ऑन द बॉक्स। कोई वेस्ट स्टार लोगो भाई किसका था यहाँ पे पता नहीं। अभी रिपोर्ट टू थॉमसन, एंड अभी थॉमसन से अपने को बताना है ये सारी बातें। एंड भाई साहब भाई कितने लोग हो यहाँ पे भाई, भाई जाओ ना तुम लोग अपने घर को। एंड चलो इनके ख़त्म हो गए। एंड यहाँ पर लास्ट बॉक्स बचा है, इसको लूट कर अपन चलते हैं थॉमसन के पास एंड रिपोर्ट करते हैं, फिर अपने को ये गन मिल जाएगी। एंड इसको कंटिन्यूटी कर देते हैं एंड अभी चलते हैं सीधे नुहा थॉमसन के, वो क्या थी भाई ब्रदरहुड, ब्रदरहुड में। एंड फिर वहीं पर आपसे मिलते हैं। एंड गाइस यहाँ पे अपन ब्रदरहुड में आ चुके हैं एंड नुहा थॉमसन से अपने को रिवार्ड लेना है। एंड चलो भाई दी ट्रांसपोर्ट कंपनी वेस्ट स्टार देन आई हैव हियर ऑफ देम इस माइल ऑफ रोड लेट बाई देम इज पेड इन ब्लड ऑफ नेटिव्स स्टेलर्स डिसेंटर्स एंड इच माइल मेक्स सो मच सिल्वर दैट इट मेक्स इट इजी टू ओवरलुक द ब्लड फॉलोइंग दिस गैंग अदर्स विल कम दोज आर वेस्टार टैक्टिक्स वी हैव टू स्टॉप देम आवर सिल्वर स्टोन डिजर्व्स बेटर This has plan an ambush on bandits and the four men thinks of cutting them off from supplies. Hope the Brotherhood can count on you. And चलो भाई इसको अपन कंप्लीट कर सकते हैं अभी। And दूसरा है meet the sheriff. And एक और है meet Thorpey the man. Thorpey the man भाई पता नहीं क्या क्या नाम रख देते हैं। And मीट थॉर्पी दी मैन एंड ये सैरिफ है, सैरिफ से पहले मिल लेते हैं। एंड और तो अपने को ये गन मिल चुकी है भाई, 414 डैमेज है लेकिन भाई अटैक स्पीड इसकी बेकार है, मतलब एक गोली मारेगी उसके बाद भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है कि भाई दूसरी गोली चलाने में। एंड अपन सीधे चलते हैं सैरिफ के पास एंड देखते हैं भाई मीट दी सैरिफ था जिसमें कि अपने को काउबॉय ट्यूब मिलेगा, कि यहाँ पे मीट थॉर्पी दी फॉरमैन मिलेगा। फॉरमैन यहाँ पर बाद में अपन चलते हैं, पहले चलते हैं अपन सिल्वर टोन में। चलो भाई हॉर्स से चलते हैं क्योंकि एनर्जी बची नहीं है अपने पास। चलो भाई अपन आ गए हैं सिल्वर टोन में एंड देखते हैं भाई सहरिप अपने को क्या बताएगा अभी। एंड वो तो कोई मतलब प्लान के बारे में थॉमसन बोल रहा था कि सैरिफ से मिलकर भाई बताना पड़ेगा प्लान बनाएंगे भाई बैंडिट्स को रोकने का, ऐसा कुछ था। एंड भाई यहाँ पर क्वेश्चन मार्क फिर से आ चुका है, देखते हैं भाई अपना सैरिफ क्या बोलता है। एंड ग्लैड यू आर वर्किंग ऑन द ब्रदरहुड अगैन दे आर यूजफुल फॉर सिल्वर टोन समटाइम्स वी हैव डिसएग्रीमेंट्स विद थॉमसन But no disagreement in regard to the Western mercenaries. Let's give the warm welcome. Can you get some dynamite? भाई साहब dynamite लेगा ये शायद। And also we all need a healing ointment weapons little help. भाई साहब healing भी लेगा and weapons भी। When you are ready, come to the rocket trail. That's our destination. भाई साहब क्या क्या मांग रहा है। एंड भाई साहब ये मांग रहा है 10 डायनामाइट एंड 10 स्ट्रॉन्ग कैरेटिव ऑइनमेंट जो अपनी हीलिंग है शायद
लेवल 3 की है भाई हीलिंग, वो मांग रहा है, एंड दो ठो फोल्डिंग शॉटगन मांग रहा है। भाई मैंने फोल्डिंग शॉटगन अपने लिए अभी तक नहीं बनाई है भाई, इसको मैं बना कर दूंगा। एंड शायद से ये है स्ट्रॉन्ग हीलिंग कर्टिव, यही थी शायद, एंड देखता हूँ स्ट्रॉन्ग कर्टिव, हाँ भाई यही थी, ये जो हीलिंग है लेवल 3 की, ये 10 देना है इसको। एंड अपनी शॉटगन लेवल 3 की जो थी फोल्डिंग शॉटगन, देखते हैं कहाँ पे है भाई फोल्डिंग शॉटगन, ये रही भाई, इसको अपने को बनाना पड़ेगा। इसके लिए अपने पास सामान तो वैसे हैं भाई, मतलब दो मैं बना सकता हूँ अभी फोल्डिंग शॉटगन, एंड मतलब भाई काफ़ी ज़्यादा भाई मांग लिया भाई सैरी उसने, मतलब दो ठो शॉटगन भाई मैंने अपने लिए अभी तक नहीं बनाई। एंड यहाँ पर ऑफर आ चुका है, अगर बनाने का मन ना हो तो खरीद भी सकते हैं यहाँ से, लेकिन भाई नहीं, अपने को खरीदना नहीं है, अपने पास है सामान तो अपन लेकर ही आ जाएंगे अपने बेस से। भाई ये रॉकेट ट्रेल कहाँ पे आ गया, एंड यहाँ पर आया भाई रॉकेट ट्रेल, यहाँ पर अपने को डायनामाइट्स एंड भाई मतलब जो भी सामान है वो लेकर जाना है यहाँ पर, एंड जब भाई कलेक्ट हो जाएगा तब भाई लेकर चलेंगे। उससे पहले अपना है ये मीट थॉर पी टी फॉरमैन, इससे मीट मतलब मिलने के लिए अपने को जाना पड़ेगा स्नो मेपल फॉरेस्ट में, एंड अपन चलते हैं स्नो भी मेपल फॉरेस्ट में। उससे पहले अपन ये छोटा सा सामान जो है ये रख देता हूँ, एंड जो एक्स हैं वो ले लेता हूँ, वहाँ पे मेरे जो मेपल फॉरेस्ट हैं मेपल ट्री हैं वो मैं काट लूँगा, मतलब मेपल ट्री के वुड की वो काफ़ी ज़्यादा कमी चल रही है अपने पास। एंड अपन अभी चलते हैं यहीं पे अपने बेस पे, सामान लेकर भाई मिलते हैं स्नोई मेपल फॉरेस्ट में आपसे। एंड गाइस अपन आ चुके हैं यहाँ पे स्नोई मेपल फॉरेस्ट में, एंड यहाँ पर भी मार्कर आ चुका है, एंड भाई मार्कर को फॉलो करते हैं। भाई साहब ये कौन लग गया भाई बीच में, भाई वेपन भी इतने नहीं है भाई इन सबसे मैं फाइट कर पाऊँ। भाई एक वेपन तो अभी टूट गया इन दो लोगों को मारने में ही, एंड अपने पास केवल दो वेपन है, ये वाला इक्विप कर लेते हैं, नहीं भाई हेल्थ इक्विप कर लेते हैं अभी के लिए। एंड मैं पता नहीं भाई यहाँ, भाई साहब ये एक और आ गया, भाई साहब पता नहीं भाई कितने लोग हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पर भाई कितने करना, 55 लेवल का खतरा था शायद, एंड इसमें भाई बेकार चीज़ है। एंड अपने को इधर से आगे जाना है, एंड अभी और पता नहीं कौन कौन मिलेगा भाई आगे। भाई कितना ज़्यादा लंबा मार कर आ रहा है भाई साहब, ये भाई वुल्फ आ गए लिनिक्स, इसको मारते हैं अपन, चलो ये भी मर चुकी है। एंड अभी यहाँ पर आना था शायद, हाँ ये है भाई, ये इसको क्या बोलते हैं थॉर्पी फॉरमैन, एंड हु नो हा सेंड या ही डजंट ट्रस्ट मी, फाइन आई विल शो यू हाउ टू निगोशिएट विद बैंडिट्स, वॉच एंड लर्न। भाई ये इनसे निगोशिएट करेगा, बात करेगा भाई बैंडिट से कि कैसे इनसे मतलब समझौता करते हैं, ऐसा कुछ बोल रहा है, देखो और सुनो मतलब समझो ऐसा बोल रहा है ये वाला, अभी भाई अपने को समझाएगा, देखना अभी क्या होगा, मेरे को पक्का बताए भाई इसको पेल देंगे ये लोग। एंड वरना कीप रनिंग योर बिजनेस विदाउट ट्रबल बॉयज, फॉरगेट योर रेलोडर्स कैन गॉट दैट, एंड ब्रदरहुड विल टेक केयर यू हा गॉट इट, द रेलोडर्स वेयर मोर प्रॉब्ली वर्क दिस थॉर, पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं, फायर भाई फायर बोला इसने, भाई फायर कर दिया उन लोगों ने, भाई साहब ये लोग हमला कर दिए भाई हेल्थ मेरी, भाई साहब काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहे हैं भाई, भागना पड़ेगा अपने को। चलो दो ठो बचे हैं, मैं संभाल सकता हूँ, चलो फाइनली भाई साहब जहाँ पे मैं बच गया भाई साहब, मतलब चट्टी भाई ये सर का एंड पैंट भाई तोड़ ही दी इसने। एंड चलो भाई ये थॉर्पी फॉरमैन क्या बोलता है देखते हैं, एंड गॉड डैम इट आई आस्क द पॉलिटिक
politely, didn't I? Fine, that should be good. I'll stay here for a while. Need to finish some business. No, you don't want to know. Ha ha ha. Just let Thompson know that it's done. He'll understand. भाई क्या बोला इसने, भाई चला गया भाई, सब बैग खोलने लगा यहाँ पे कुछ, मतलब ये रोटर्स गैंग का सामान है ऐसा कुछ था शायद. एंड क्वेश्चन थॉमसन एंड अभी अपने पास, अपने को थॉमसन के पास जाना है. हाँ भाई, थॉमसन के पास जाना है और अपने को कॉमन ट्यूब और 20 कॉइंस मिल जाएंगे. एंड ये तो भाई केवल थॉमसन के पास जाना है एंड वो कुछ ना कुछ मुझे बताएगा फिर फालतू की चीज़ें. एंड और तो भाई कुछ टास्क नहीं बचा है आज के लिए अपना. एंड ये है डायनामाइट एंड स्ट्रॉक क्रेटिव ऑइनमेंट एंड फोल्डिंग शॉटगन. एंड ये तो भाई आज के इस एपिसोड में मैं कलेक्ट नहीं कर पाऊँगा भाई साहब. एक एनिमी फिर से आ गया, मर गया. एंड चलो भाई, ये मतलब ये जो 3 सामान भाई शेरिफ ने बताए हैं ये मैं कलेक्ट करके अगले एपिसोड में आपसे मिलता हूँ. तो आज का एपिसोड अपन यहीं तक रखते हैं. और तो भाई आज के एपिसोड में थोड़ा बहुत भाई प्रोग्रेस कर लिया है हमने, तो और भाई नेक्स्ट एपिसोड में अपन आगे के काम करेंगे. और ये वाली वीडियो भाई आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना. एंड गाइस, आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो भाई हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना. तो गाइस में मिलते हैं वेस्टलैंड सर्वाइवल की एक और न्यू वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.